इस मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद जो तमाम विधायक हैं वो वापस लौट गए हैं और सीधे तौर पर अब रात सदन में रहेंगे तमाम विधायक। नहीं मिला था एटीसी। देखिए, झारखंड के सियासी हलचल काफी तेज है और जो राजनीतिक गलियारों में उठा पटक देखने को मिली थी उसके बाद एक बड़ी खबर आई थी कि जितने भी महागठबंधन के विधायक दल के विधायक हैं वे सभी हैदराबाद रवाना होने वाले हैं। हमने तस्वीरें देखी कि शाम में किस तरीके से इसी सर्किट हाउस के बाहर से विधायक गाड़ी में बाहर निकले। तीन गाड़ियों में वो लोग बाहर निकले थे, कई गाड़ियां स्कॉर्ट कर रही थी, चंपई सोरेन भी मौजूद थे, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इन तमाम चीजों के बीच जब वहां पर वो टीम पहुंचती है, जब विधायक वहां पहुंचते हैं तो वहां पे मीडिया के साथ काफी बातचीत होती है, कई तरह के सवाल जवाब होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमें जाने की जरूरत पड़ रही है। इन तमाम चीजों के बाद जब लगा कि हाँ चलिए अब विधायक हैदराबाद जा रहे हैं, तब अचानक से खबर आती है कि विधायक हैदराबाद नहीं जा पाएंगे। कारण मौसम। आज राजधानी रांची में सुबह से जिस तरीके का मौसम रहा है, बारिश हुई है, उस वजह से जिस तरीके से पूरे शहर में कोहरा है, पूरे शहर को, पूरे राजधानी को कोहरे ने अपने आप में समेट लिया है, इसका प्रभाव देखने को मिला आज महागठबंधन के विधायकों के प्रस्थान में भी। एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई और आखिरकार जितने भी विधायक आज हैदराबाद जाने वाले थे उन्हें वापस आना पड़ा है। हालांकि 4 से 5 विधायक हैदराबाद नहीं जा रहे थे, वो कौन थे? जो राज्यपाल के सामने प्रतिनिधि मंडल के तौर पे मुलाकात करने जाते थे। कल की स्थिति काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये 5 लोग राज्यपाल की सूचना का इंतजार करेंगे और बाकी के जो विधायक हैं उनके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि वो मौसम का इंतजार करेंगे। जैसे ही मौसम साफ होता है पूरी तरह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये सारे लोग फिर से हैदराबाद जाने के लिए इसी सर्किट हाउस से निकलेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस की कोशिश करेंगे, एटीसी क्लियरेंस की कोशिश करेंगे और उसके बाद सभी विधायक हैदराबाद जाएंगे। इस बीच हेमंत सोरेन के मामले में कल सुनवाई भी होनी है यहाँ पर, अभी एक दिन की न्यायिक हिरासत पर वो भेजे गए हैं और रिमांड को लेकर कल फैसला आना है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई रहेगी, सर्किट हाउस के गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई रहेगी और साथ ही जो सबसे प्रमुख विषय है राजभवन और जो महागठबंधन के तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, समर्थन पत्र दिया गया है, उसे लेकर क्या फैसला आता है, इन तमाम गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए और आप जुड़े रहे PrabhatKhabar.com के साथ और जितने भी जरूरी अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर हर जरूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।